गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 5 में आप लोग द साउदर्न प्लेट्यू इसके बारे में जानकारी ली और इसमें पार्ट 1 और 2 वीडियो भी देखा। तो पार्ट 2 में आपको सब्जेक्टिव वाला जो था उसका सॉल्यूशन भी आप लोग को हो गया होगा, हम उम्मीद है कि फेयर में भी आप लोग कर लिए होंगे, और नहीं किया होंगे तो तुरंत कर लीजिएगा। ये पार्ट 3 वीडियो जो है उसमें डी मॉडल जो क्वेश्चन था है ना, साउदर्न प्लेटू के बारे में आप लोग पढ़ा, उतना सारा कुछ दो दो वीडियो देखा, पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें क्या जानकारी ली। साउदर्न प्लेटू मैंने दक्कन का जो पठार है उसका टॉपेस्ट जो हाईएस्ट पीक है, ऊंची चोटी, सर्वाधिक ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, उसका नाम क्या है। उसका नाम अन्नामुडी पठार है, वो अन्नामुडी पर्वत चोटी, पठारी चोटी आपको दक्कन प्लेटू का सबसे हाईएस्ट पीक है ना। बहुत सारी जानकारी आप लिए थे दक्कन प्लेटू में, आप तमिलनाडु तक की यात्रा किए थे, राज्यवार अलग अलग स्टेट के विशेषताओं को देखे थे, वहाँ के स्पेशल जो क्लासिक डांस है, फोक डांस है, उसको भी है। जैसे आप लोग तमिलनाडु के हो गया, तो तमिलनाडु का जो फेमस डांस है, फोक डांस है, वो क्या है, तो डांस को भी याद रखना है आप लोग को कि तमिलनाडु में जो पॉपुलर डांस है, जो ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, वो डांस आपको भरतनाट्यम है ना, वो तमिलनाडु का है। तो भरतनाट्यम ये सब जो डांस है, उड़ीसा का उड़ीसी है, मणिपुर का मणिपुरी है, तो ये सब जो फोक डांस हैं, लोकल जो डांस हैं, जो क्लासिक डांस इसको कह सकते हैं, तो क्लासिक डांस में भरतनाट्यम आ गया, उड़ीसी आ गया, कुचिपुड़ी हो गया है ना। तो अब जो है ये मॉडल नंबर डी में आप लोग देखो क्वेश्चन आंसर करना है ना, इसका जो है डी जो दो चार लाइन लिखना है सेंटेंस बना करके, आप देखो मॉडल डी में डी का पहला कोशिश आप लोग किए थे बनाने के लिए, ठीक है, कोशिश किए थे, तो अब आप रेडी हो जाइए इसको देखने के लिए कि इसका सवाल जवाब कैसा है, आप अपने कॉपी में कैसे लिखे हैं। विच हिल्स सराउंड द साउदर्न प्लेटू फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट, माने पूर्व और पश्चिम में कौन सी जो प्लेटू है, पठार है, वो घिरा हुआ है दक्षिण का पठार। तो आप देखोगे कि सबसे पूर्वी जो पठार है ना, वो राजमहल की पहाड़ी है, और पश्चिमी जो हिस्सा हो गया वो अरावली हिल्स है ना। तो आप राजमहल हिल्स भी लिख सकते हैं, कैसे लिखिएगा, तो इसको ऐसे लिखना है, आंसर द राज महल हिल्स है ना, द राज महल हिल्स इन द ईस्ट साइड and the Aravali है ना, the Aravali hills in the west side है ना, west side सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग SUR RR है ना,
SURROUNDING सराउंडिंग है ना। Southern Plateaus, Southern Plateaus, इसको Southern Plateaus, PLATEAUS Plateaus। तो ये हो गया पहला। दूसरा दूसरा का आंसर देखो, ये मॉडल नंबर डी, ये डी देख रहे हो ना, ये मॉडल नंबर, ये डी का पहला हो गया। दूसरा देखो, विच रिवर्स आर देयर ओरिजिन इन द दक्कन प्लेटू, माने दक्कन के पठार से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। ये जो है क्वेश्चन आ रहा है, दक्कन के पठार many rivers origins from Deccan Plateau, from Deccan, na, from Deccan Plateaus, like Mahanadi, like Godavari se shuru karo, go लाइक गोदाव वरी कावेरी, गोदावरी कावेरी कृष्णा कृष्णा एंड महानदी। ये इतनी सारी नदियां आपको दक्कन पठार से पैदा ली हैं या निकली हैं, है ना। व्हाई इज द दक्कन प्लेटू कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, पूरा दक्कन प्लेटू को ये स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स माने खनिजों का ये घर, स्टोर हाउस है खनिजों का, स्टोर गोदाम है ना, खनिजों का गोदाम क्यों कहते हैं। तो इसके लिए अब ये वाला जो है, इस क्वेश्चन को हम इरेज कर रहे हैं, इसको पहला को हम हटा रहे हैं। देखो तीसरा आंसर, व्हाई द दक्कन प्लेटू कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, आंसर लिखो। बिकॉज मेनी मिनरल्स है ना,
got many minerals, minerals. Iron, coal, mica, bauxite, mica, mica, bauxite, Ma, mica, bauxite. It is a because many minerals as iron, coal, manganese, mica, bauxite, etc. deposited here, deposited here, है ना, यहाँ जमा है, इनका केंद्रन है, ये बहुत सारे खनिज पदार्थ जो हैं, यहाँ उनका निक्षेप मिलता है, डिपॉजिट है, यानी कि जमा है ना, deposited here, so the Deccan plateau called, ठीक प्रश्न में जैसा है कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कैसे क्यों कहते हैं, तो उसमें अंत में लिख सकते हैं आप कि सो द साउदर्न प्लेटू इज कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, है ना, साउदर्न प्लेटू. अच्छा, विच स्टेट्स लाई इन द साउदर्न प्लेटू, विच स्टेट्स लाई इन द साउदर्न प्लेटू, यानी दक्षिण के पठारी भागों पर कौन कौन से स्टेट हैं, है ना. तो साउदर्न प्लेटू पर बच्चों बहुत सारे स्टेट्स हैं, आपका मध्य प्रदेश खुद ही है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब लिख सकते हैं. तो इसके बाद चौथा में, चौथा का जो आंसर है, अब नीचे वाला हटा लेते हैं, ये वाला, है ना, अब क्वेश्चन नंबर फोर में बच्चों आपको है कि विच स्टेट लाइज इन द साउदर्न प्लेटू, यानी दक्षिण के पठारी जो हिस्सा है, भाग है, उस पर कौन कौन से स्टेट्स हैं बसे हुए. तो यहाँ इसका आंसर देखो, दक्षिण के पठारी भाग में देर आर मेनी
states lie in the southern plateaus like Karnataka, Tamil Nadu, Jharkhand, Odisha, मध्य प्रदेश इटीसी। वैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश भी साउदर्न प्लेटू पर ही बसे हुए स्टेट्स हैं, है ना। 6-7 स्टेट्स के नाम लिख लो, काफी है। एक कर्नाटक, 1, 2, 3, 4, 5। एक और स्टेट के नाम लिखना चाह रहे हैं तो वो आप तेलंगाना लिख सकते हैं, आंध्र प्रदेश भी लिख सकते हैं, महाराष्ट्र भी लिख सकते हैं, माने आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं, है ना, जो तक जो साउदर्न प्लेटू पर स्थित हैं, है ना। नेम सम पॉपुलर डिशेज ऑफ तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु का जो मुख्य भोजन है वो आपको लिखना है कि क्या यहाँ के मुख्य भोजन है तमिलनाडु का, है ना। तो आपको जो है ये भोजन जो है आपको तमिलनाडु के लिए यहां लिखिए, क्वेश्चन 5 में नेम सम पॉपुलर डिशेज ऑफ तमिलनाडु, कुछ यहाँ का खास मशहूर जो है भोजन, जो पॉपुलर डिश है, यहाँ के लोग पसंद करते हैं खाना, उसको जो है आप लिखिए। There are some popular, है ना, popular dishes of तमिलनाडु, नाडु
लाइक डोसा डोसा इडली डी है डोसा इडली एंड चपाती डोसा इडली एंड चपाती इज द पॉपुलर डिशेज ऑफ तमिलनाडु. उधर जाओगे तो ये सब खाने को ज़्यादा मिलेगा, है ना. तो इस तरह से आपको डी मॉडल का ये पांचवा क्वेश्चन भी आपका रेडी हो गया. अब आपको करना क्या है कि डी में मॉडल में जो 1 से 5 तक क्वेश्चन है उसको फट से ना तुरंत फेयर में कॉपी में चढ़ा लो, फेयर कॉपी कर लेना है और इसको फिर से एक बार पढ़कर दिमाग में याद रखना है ना. और ये जो है आज इतना ही. अब अगले जो चैप्टर रहेंगे नया, वो छठा चैप्टर रहेगा, द कोस्टल प्लेन्स ऑफ द आइलैंड्स, है ना. कोस्टल प्लेन्स तटवर्ती क्षेत्रों के बारे में जानकारी हम आपको देंगे. आज जो है ये साउदर्न प्लेटू के बारे में जानकारी लिए, क्वेश्चन रिसर्च का सोल्यूशन भी हो गया. अब छठा चैप्टर जो नया चैप्टर होगा वो दूसरे दिन सोमवार को हम आपको बताएंगे. तो कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स, ये छठा चैप्टर रहेगा, है ना. ओके बच्चों, इसको फेयर ठीक से कर लेना और अच्छा से रहना. ओके बाय.